दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए या फिर शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे की कमी के कारण बिजनेस को प्रॉपरली कर नहीं पा रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आपके पैसे की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो दोस्तों जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दे ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा था उस एप्लीकेशन का नाम है पेमेंट। अब ये पेमेंट एप्लीकेशन एग्जैक्टली है क्या और क्या काम करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पेमेंट एप्लीकेशन की मदद से आप क्रेडिट कार्ड से पैसे डायरेक्टली अपने वेंडर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे फायदा यह होता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट को एज ए कैश यूज कर सकते हैं। दोस्तों आप खुद जानते होंगे, अगर हम क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो हमने जो अमाउंट यूज किया है उसको रीपे करने के लिए हमको कुछ दिन का टाइम मिल जाता है। नॉर्मली ये टाइम पीरियड 30 डेज से लेकर 45 डेज के बीच का होता है। तो आप यूं समझ सकते हैं आपको शॉर्ट पीरियड के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। अब रिवॉर्ड पॉइंट्स कितने मिलते हैं ये डिपेंड करेगा आप कौन सा कार्ड यूज कर रहे हैं, इसके अलावा आपको जिस बैंक ने क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया है उसके रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम के हिसाब से। पर दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, कार्ड को यूज करने के बाद टाइम पे पेमेंट कर देना ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब दोस्तों हो सकता है कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि मार्केट में तो पहले से कुछ एप्लीकेशंस है जिनकी मदद से हम क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो पेमेंट में क्या खास बात है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मार्केट में जितनी भी एप्लीकेशंस है उनमें केवाईसी करने के बाद आपको 1 लाख रुपए की लिमिट मिलती है। वहीं अगर आप पेमेंट में केवाईसी करते हैं तो आप अनलिमिटेड पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आपने अपने बिजनेस के लिए 4 लाख रुपए की मशीन खरीदी और आपको उस मशीन का पेमेंट करना है, तो आप एक ही ट्रांजेक्शन में अपने क्रेडिट कार्ड से वेंडर के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। वहीं अगर आप दूसरी एप्लीकेशंस यूज करते हैं तो 4 लाख का ट्रांजेक्शन करना पॉसिबल नहीं होगा। दोस्तों पेमेंट एप्लीकेशन स्पेशली बिजनेस करने वालों के लिए बनाई गई है ताकि वो टाइम पर अपने वेंडर्स को, पार्टीज को, स्टाफ को क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट कर सके। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश मत करना, क्योंकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसी के तहत ऐसा करना सख्त मना है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूँ कि कैसे आप पेमेंट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, उसके बाद में क्रेडिट कार्ड को ऐड करके अपने वेंडर के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों पेमेंट एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले ये पूरा वीडियो देख लीजिए ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा डिटेल में समझ में आ जाए, उसके बाद में एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप भी अपने क्रेडिट कार्ड से अपने वेंडर के, पार्टीज के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो लिंक दूंगा उस पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। आपको सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद में एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल होने लगेगी। इंस्टॉल हो जाने के बाद में आपको सिंपली ओपन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे परमिशन अलाउ करनी होगी। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एग्जिस्टिंग यूजर और न्यू यूजर। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर है तो अपने डिटेल्स एंटर करके आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप नया अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए न्यू यूजर ही मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। उसके बाद में नीचे मुझे मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करनी होगी। सबसे पहला है फर्स्ट नेम, चलिए मैं अपना नाम यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में लास्ट नेम, मैंने अपना लास्ट नेम यहाँ पे एंटर कर दिया। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद में दोस्तों आपको कोई भी 8 कैरेक्टर का एक पासवर्ड एंटर करना है। चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देता हूँ, उसके बाद में पासवर्ड को कंफर्म कर लेता हूँ। इसके बाद में दोस्तों नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन। इसके ऊपर क्लिक करके अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं और अंडरस्टैंड करके एक्सेप्ट कर सकते हैं, पर दोस्तों मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में दोस्तों नीचे एक ऑप्शन दिया गया, गेट ओटीपी ऑन ईमेल आईडी। आपने दोस्तों जो भी ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर किया होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी आएगा जिसको आपको वेरीफाई करना होगा। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे ईमेल के अंदर मुझे ओटीपी आ चुका है, मुझे इसको एंटर करके वेरीफाई करना होगा। तो चलिए मैं एंटर करके वेरीफाई कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है, अनेबल पासकोड लॉगिन। आप कोई भी 4 डिजिट का पासकोड यहाँ पे सेट कर सकते हैं। दोस्तों पासकोड सेट करने का फायदा होगा कि जब भी आप नेक्स्ट टाइम से लॉगिन करेंगे तो सिंपली पासकोड एंटर करके आप लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे पासकोड सेट कर लेता हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा अनेबल नाउ के ऊपर। चलिए मैं 4 डिजिट का कोई भी पासकोड यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। उसके बाद में मुझे फिर से कंफर्म करना होगा, चलिए मैं री एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में हमारे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है, यहाँ पे हमको हमारा बिजनेस नेम एंटर करना है और मोबाइल नंबर एंटर करना है। चलिए मैं अपने बिजनेस का नाम यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। नीचे मुझे मेरा मोबाइल नंबर एंटर
करना है तो चलिए मैं फटाफट मेरा मोबाइल नंबर भी एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में नीचे एक ऑप्शन दिया गया सबमिट एंड वेरीफाई मोबाइल नंबर, चलिए इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा जिसको आपको वेरीफाई करना होगा। मुझे ओटीपी मिल चुका है, चलिए मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद सिंपली मुझे वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना होगा। वेरीफाई हो जाने के बाद में आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ऊपर मेरी कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है और नीचे मुझे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है ऐड क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे मैं क्लिक करके क्रेडिट कार्ड को ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद में नीचे ऑप्शन दिया गया पे बिजनेस / वेंडर्स बैंक अकाउंट, तो मैं अपने वेंडर के बैंक अकाउंट में यहाँ से पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ। उसके बाद में दोस्तों नीचे एक और ऑप्शन दिया गया ट्रांजैक्ट विदाउट लिमिट, तो अभी तक आपकी जो लिमिट है वो 1,00,000 रुपए है, लेकिन अगर आप केवाईसी कर लेते हैं तो आप अनलिमिटेड पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और दोस्तों नीचे आखिरी ऑप्शन दिया गया ऐड कॉन्टैक्ट्स, यहाँ से आप अपने बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हो, मतलब जिसके भी अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं वो डिटेल आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं सारी चीजें आपको डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक क्रेडिट कार्ड ऐड करके दिखा देता हूँ, जिसके लिए मुझे क्लिक करना होगा ऐड क्रेडिट कार्ड के ऊपर। क्लिक करने के बाद में मेरे सामने ये पेज आ चुका है, यहाँ पे मुझे मेरा कार्ड नंबर एंटर करना है, चलिए फटाफट मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में मुझे कार्ड होल्डर का नाम एंटर करना है, तो मैं अपना नाम यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में मुझे मेरी एक्सपायरी डेट एंटर करनी है, तो चलिए मैं मंथ और ईयर फॉर्मेट में यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में सिंपली मुझे क्लिक करना होगा ऐड दिस कार्ड के ऊपर, चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वो सक्सेसफुली यहाँ पे ऐड हो चुका है। इस क्रेडिट कार्ड से मैं पैसे किसी भी वेंडर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो दोस्तों इसी प्रकार अगर आपको मल्टीपल कार्ड्स ऐड करने हैं तो नीचे ऑप्शन दिया गया ऐड न्यू कार्ड के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करके आप जितने चाहें उतने कार्ड्स ऐड कर सकते हैं। दोस्तों इस कार्ड से वेंडर के अकाउंट में पैसे भेजने से पहले मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले अपना केवाईसी कर लेता हूँ। और केवाईसी करने के लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा ट्रांजैक्ट विदाउट लिमिट्स के ऊपर। दोस्तों क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको अपना केवाईसी एंटर करना है तो चार स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड के फ्रंट का फोटो अपलोड करना है, उसके बाद में आधार कार्ड के बैक का, उसके बाद में आपको पैन कार्ड का फोटो अपलोड करके वेरीफाई करना है, और उसके बाद में एक सेल्फी भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं सारी चीजों को आपको करके दिखा देता हूँ। दोस्तों आप ऊपर देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट बिजनेस टाइप, तो मुझे मेरे बिजनेस का टाइप यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ दोस्तों आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, मान लीजिए अगर आपकी कोई कंपनी नहीं है फिर भी आप पेमेंट एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं तो आपको इंडिविजुअल ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। मेरी कंपनी है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद में दोस्तों मुझे स्टेप वन फॉलो करना है, तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगे, टेक अ फोटो, आप अपने कैमरे से फोटो ले सकते हैं, चूज अ फोटो, मतलब आप अपनी गैलरी से फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं, और कैंसिल का ऑप्शन भी दिया गया है। मैं यहाँ पे टेक अ फोटो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों मुझे सिंपली यहाँ पे अलाउ के ऊपर क्लिक करना होगा, एक बार फिर से अलाउ के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आधार कार्ड के फ्रंट का फोटो मैं यहाँ पे खींच लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसी प्रकार दोस्तों तीन नीचे के स्टेप्स को भी फॉलो करना होगा, तो चलिए फटाफट मैं उनको भी फॉलो कर लेता हूं। सेकंड स्टेप है आधार कार्ड के बैक साइड का फोटो खींच के मुझे अपलोड करना है। तीसरे स्टेप के अंदर मुझे मेरे पैन कार्ड का फोटो यहां पे अपलोड करना होगा, चलिए मैं फटाफट पैन कार्ड के फोटो को खींच के अपलोड कर देता हूं। उसके बाद में दोस्तों जो आखिरी स्टेप है वो है टेक अ सेल्फी, तो मुझे यहां पे एक सेल्फी लेनी है, फटाफट चलिए मैं सेल्फी भी ले लेता हूं। दोस्तों मैंने सेल्फी भी यहां पे अपलोड कर दी है। इसके बाद में नीचे ऑप्शन दिया गया डन का, सिंपली मुझे उसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मुझे यहां पे मैसेज आ चुका है KYC वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको भी अपने डॉक्यूमेंट्स के फोटो खींच के अपलोड करने होंगे और आपका भी KYC वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद में चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ ओके गॉट इट के ऊपर। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले हमको जो ऑप्शन आ रहा था अब वो नहीं आ रहा है, अब मुझे यहाँ पे सिर्फ तीन ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ऐड अ क्रेडिट कार्ड, पे टू बिजनेस और वेंडर बैंक अकाउंट, और इसके बाद में ऐड कॉन्टैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं कि आप अपने वेंडर्स को, मतलब जिनको पैसे भेजने हैं उनको कैसे ऐड कर सकते हैं। देखिए आखिरी ऑप्शन दिया गया ऐड कॉन्टैक्ट्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा, यहाँ पे आपको अपने बेनिफिशियरी के बैंक डिटेल्स एंटर करने हैं। तो चलिए दोस्तों मैं अपने एक वेंडर के बैंक डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे कंपनी या फिर बेनिफिशियरी का नाम एंटर करना होगा, तो मैं लिख देता हूँ संध्या कुमारी। उसके बाद में नीचे मुझे अकाउंट नंबर एंटर करना है, तो मैं अकाउंट नंबर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में अकाउंट नंबर को मुझे री एंटर करके कंफर्म करना होगा। उसके बाद में IFSC कोड एंटर करना होगा, तो चलिए फटाफट मैं IFSC कोड भी एंटर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने IFSC कोड एंटर किया बैंक का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। उसके बाद में दोस्तों जो आखिरी ऑप्शन है वो है ईमेल आईडी, तो मुझे मेरे वेंडर का ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना होगा, चलिए फटाफट मैं एंटर कर देता हूँ। सारे डिटेल्स एंटर करने के बाद सिंपली आपको ऐड कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करना है, चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं संध्या कुमारी एज ए कॉन्टैक्ट यहाँ पे ऐड हो चुकी है, सिंपली मुझे ओके के ऊपर क्लिक करना है।
इसके अलावा देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स में भी संध्या कुमारी दिखाई दे रहा है। चलिए हम होम के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए मुझे इस क्रेडिट कार्ड से संध्या कुमारी को पेमेंट करना है, वो मैं कैसे कर सकता हूँ आपको दिखा देता हूँ। देखिए नीचे ऑप्शन दिया गया पे बिजनेस स्लैश वेंडर बैंक अकाउंट, इसके ऊपर सिंपली मुझे क्लिक करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने ये पेज आ चुका है, यहाँ पे डिटेल्स दिखाई दे रहा है। अगर मैं चाहूँ तो किसी नए वेंडर को भी यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। ऐड कॉन्टैक्ट का डिटेल मुझे यहाँ पे दिया गया है और बाजू में संध्या कुमारी का ऑप्शन भी दिया गया है, तो सिंपली मैं संध्या कुमारी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो चुकी है, मुझे सिर्फ यहाँ पे अमाउंट एंटर करना है। तो मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ 1000 रुपए एंटर कर देता हूँ। इसके बाद में दोस्तों अगर आप नीचे देखेंगे तो एक ऑप्शन दिया गया ऐड एडिशनल डिटेल्स, चलिए इसके ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, अगर आप इनवॉइस अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी अपलोड कर सकते हैं, अगर आपने कोई पर्टिकुलर डिस्काउंट दिया है वो मेंशन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जीएसटी टाइप, टीडीएस, रिमार्क का ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं यूज नहीं कर रहा, मैं कैंसिल पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों सिंपली आपको सिलेक्ट करना होगा सिलेक्ट पेमेंट मेथड के ऊपर, चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है, यहाँ पे मेरा क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर आप चाहें तो दूसरा क्रेडिट कार्ड भी ऐड कर सकते हैं, नीचे ऑप्शन आपको दिया गया है और ऊपर आपको साफ साफ लिखा गया है कि अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो 2.95% ट्रांजेक्शन चार्जेस होंगे जिसके अंदर जीएसटी इंक्लूडेड है। इसलिए दोस्तों 1000 रुपए अगर मुझे ट्रांसफर करना है तो मुझे पे करना होगा 1029.50 रुपए। तो चलिए मैं यहाँ पे नीचे प्रोसीड का ऑप्शन दिया गया इस पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद में कंफर्मेशन की स्क्रीन आ चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया प्लीज नोट फंड विल बी ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट विद इन 2 वर्किंग डे। मतलब दोस्तों जो मैं पैसा यहाँ से ट्रांसफर करूंगा ये संध्या कुमारी के अकाउंट में 2 वर्किंग डे के अंदर क्रेडिट होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा मोस्टली नेक्स्ट वर्किंग डे के अंदर ही पैसा क्रेडिट हो जाता है, लेकिन इनका टर्न अराउंड टाइम जो है वो है 2 वर्किंग डे, मतलब 2 वर्किंग डे मैक्सिमम टाइम है, लेकिन मोस्टली एक दिन के अंदर पैसा क्रेडिट हो ही जाता है। इसके बाद में दोस्तों नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए एडिट के, अगर मैं चाहूँ कुछ भी इन्फॉर्मेशन मुझे एडिट करनी है तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं कुछ भी एडिट नहीं करना चाहता इसलिए मैं यहाँ पे एडिट नहीं कर रहा हूँ। सिंपली मैं क्लिक कर देता हूँ मेकअप पेमेंट के ऊपर। उसके बाद में सिंपली मुझे यहाँ पे सीवीवी नंबर एंटर करना होगा, चलिए फटाफट मैं अपना सीवीवी नंबर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में मुझे क्लिक करना होगा पे के ऊपर। उसके बाद में दोस्तों मेरे सामने ये बैंक का पेज आ चुका है, मुझे यहाँ पे ओटीपी एंटर करना होगा जो मेरे मोबाइल नंबर पे मुझे मिलने वाला है। मुझे ओटीपी मिल चुका है, चलिए मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे एक पेमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन भी आ चुका है। नोटिफिकेशन में क्या लिखा है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं पॉपअप आ चुका है जिसमें लिखा है योर ट्रांजेक्शन वॉज सक्सेसफुल, और नीचे यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए गो टू होम या फिर सेव टू गैलरी। अगर इस ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट आप गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो सिंपली आपको सेव टू गैलरी के ऊपर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुझे व्हाट्सएप के ऊपर क्या मैसेज आया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजेक्शन नंबर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों ये भी बताया गया कि 21 तारीख को ये पैसा बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं ट्रांजेक्शन के स्टेटस को ट्रैक करना चाहता हूँ तो सिंपली नीचे ये लिंक दिया गया इसके ऊपर क्लिक करके मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपको व्हाट्सएप के ऊपर चैट का सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आपको ट्रांजेक्शन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई डाउट है तो इनसे आप पूछ सकते हो। इनका जो टाइमिंग है वो मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा एप्लीकेशन के अंदर एक ऑप्शन दिया गया ट्रांजेक्शन, इसके ऊपर क्लिक करके आप सारे ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे संध्या कुमारी का ट्रांजेक्शन भी दिखाई दे रहा है, अगर आपको डिटेल में देखना है तो इसके ऊपर क्लिक करना होगा। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं कि सारे डिटेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पेमेंट का स्टेटस इन प्रोसेस है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि 2 वर्किंग डे के अंदर पैसा सेटल होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे अपने वेंडर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, और पेमेंट एप्लीकेशन को यूज करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे कि आप अनलिमिटेड पैसा अपने क्रेडिट कार्ड से वेंडर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके क्रेडिट कार्ड में आपको जो लिमिट मिली है उसको आप ऐसा कैश यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों क्रेडिट कार्ड यूज करने के बाद आपको कम से कम 30 से लेकर 45 दिन का टाइम मिलता है उसको रीपे करने के लिए। तो आप यूज समझ सकते हैं ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्रेडिट कार्ड की तरफ से आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। पेमेंट एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और आज से ही क्रेडिट कार्ड से पैसे अपने वेंडर के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।